एमआरएफ ने अपने शेयर धारकों को डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया है। यह डिविडेंड लेने के लिए हमारे सामने एंजल स्पार्क का एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास एंजल स्पार्क एप्लीकेशन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज ही अपना डिमेट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें। कंपनी कितना डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है इसके बारे में जानकारी के लिए हम यहाँ पर मार्केट वॉचलिस्ट पर आते हैं। वॉचलिस्ट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कंपनी के बारे में जानकारी निकल जाती है। एमआरएफ इस समय जो ट्रेड कर रहे हैं ये 88,739 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। इस स्टॉक में कंपनी ने 3 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया है। इस शेयर में अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो यह स्टॉक आपको 20 फरवरी या उससे पहले बाय करके रखना होगा, जिसकी रिकॉर्ड डेट 21 फरवरी कंपनी ने तय की है। यहाँ पर हम स्टॉक की डिटेल की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का कुछ फंडामेंटल देखने में आता है। कंपनी जो है एक टायर बनाने वाली कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल जो है ये 37,900 करोड़ का है। वन ईयर में इसने 35% का रिटर्न दिया है, सेक्टर में 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, मार्केट में इसने 5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। साथ ही यहाँ पे कंपनी का पी ई रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, ROE ROCE देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी 3.99 के ROE पे बनी हुई है और ROC जो है 5.31 का रख रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो इसमें प्रमोटर के पास 27.87% के शेयर रखे हुए हैं, FIIs के पास इसमें 18.22% के शेयर रखे हुए हैं, म्यूचुअल फंड के पास इसमें 6.5% से ऊपर के फंड रखे हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने अपनी कुछ होल्डिंग भी घट कम की हुई है, 0.5% के आसपास की होल्डिंग घटाई हुई है। अदर DIIs ने भी यहाँ पे 0.5% की होल्डिंग कम की है और नॉन इंस्टीट्यूशनल ने भी यहाँ पे 0.5% से ज़्यादा की होल्डिंग घटाई हुई है। अगर आप इस कंपनी के शेयर में डिविडेंड के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो नीचे बाय बटन दी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ जितनी भी क्वांटिटी में आप डिविडेंड लेना चाहते हैं वो क्वांटिटी आपको मेंशन करना होगा। यहाँ दी गई बाय बटन पर सिंपली क्लिक करना होगा और ऑर्डर लगाना होगा। यह शेयर को आपको 20 फरवरी से पहले बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रखना होगा। और वीडियो के शेयर में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, मिसना हो अगर चैनल पर जॉइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर जॉइनिंग, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।